कर्नाटका इलेक्शन से जस्ट पहले केरला से बीजेपी के लिए बड़ी जबरदस्त न्यूज आई है। द केरला स्टोरी जो रिलीज हो चुकी है, जिसकी कंट्रोवर्सी अब सर चढ़कर बोल रही है, वो शायद थोड़े से वोट्स और पूरा गेम पलट सकती है। कोर्ट केस क्या है, इस पर फैसले से किसका फायदा होगा, क्या जिहादी एलिमेंट्स के बीजेपी के वादे से कर्नाटका में उसको और सीटें मिल पाएंगी जो वो चाहती है, मैं आपको इंडिया नाउ एंड नाउ के आज के इस खास एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। आईएसआईएस के जिहादियों ने कैसे लोगों को, खासकर केरला की लड़कियों को फांस कर मुसलमान बनाकर वो आईएसआईएस के लिए लड़ने ले गए थे। जी हाँ, ये स्टोरी पर केरला स्टोरी बेस्ड है। 32,000 लोगों को धोखा देने का इसमें क्लेम हुआ है और अभी अभी कोर्ट केस का फैसला आया कि इस मूवी पर बैन नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बैन नहीं किया जाएगा, मूवी चलती रहेगी, लेकिन 32,000 का जो क्लेम है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बोलना बहुत मुश्किल है। अब बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर में इसमें थनाथनी हो चुकी है, बिकॉज बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर यही चीज दोबारा हो सकती है तो केरला से भी ऐसे ही जिहादी एलिमेंट्स फायदा उठा के कर्नाटका में भी ऐसा कर सकते हैं और कर्नाटका के लोगों की सेफ्टी नहीं हो पाएगी, खासकर हिंदू लड़कियों की सेफ्टी। और इसमें लोगों को कहा जा रहा है कि वो केरला स्टोरी जरूर देखें, कि अगर वो कर्नाटका का ये हाल नहीं चाहते हैं तो बीजेपी को ही वोट दे, कांग्रेस और जनता दल और लेफ्ट पार्टीज को गलती से भी वोट ना दो। अभी बजरंग बली और बजरंग दल का इशू थमा भी नहीं है कि केरला स्टोरी ने हंगामा मचा दिया और पहले दूसरे दिन की कलेक्शन इतनी स्ट्रांग हुई है और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं ले पाई थी जितनी केरला स्टोरी ने ली है, लोगों को वो छूने लगी है और अगर वो सही टारगेट ऑडियंस फिट कर जाती है तो कहा जाना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और जेडीएस को बहुत नुकसान होगा और खासकर नॉर्थ कर्नाटका में इसमें दिक्कत कांग्रेस को हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका ऐसी जगह है, ऐसी बेल्ट है जहां बीजेपी सबसे कमजोर है और अगर बीजेपी बजरंग दल के बैन होने की पॉसिबल कॉन्ट्रोवर्सी से और केरला स्टोरी की इमोशन से वहां पर फायदा उठा सकती है, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है तो कांग्रेस शर्त या ये इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी फिर हर तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। और क्या वो कुछ वोट्स खिसका कर कांग्रेस से बीजेपी को दे पाएगी, इलेक्शन का रुख बदल पाएगी, मैं आपको इसी चैनल पे उसके बारे में जरूर बताऊंगा। देखते रहिए इंडिया नाउ एंड नाउ।